जैन साथियों, आज का हमारा टॉपिक है रेखा, जिसे हम इंग्लिश में लाइन भी कह सकते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेखा की परिभाषा क्या है। जब आप जितने प्रकार की भी लाइनें खींचते हैं, लाइन इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कहते हैं हम रेखा, वो रेखाएं होती है। अब उसकी परिभाषा क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच जो आकृति बनती है, किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। मान लिया समतल पृष्ठ पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसके बीच में हमने ये लाइन खींच दी, ये आकृति बन गई, ये क्या है? रेखा है। इन मान लो दो और बिंदु है, इनके बीच में ये आकृति बन गई, ये भी रेखा है। इसकी दूसरी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। मतलब रेखा वो ज्यामितीय आकृति है जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। तो हमने पहली परिभाषा देखी जिसमें ये था कि किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच जो आकृति बनती है उसे हम रेखा कहते हैं। और दूसरी परिभाषा इसी की, रेखा की कोई भी लिख दो, दोनों सही है। दूसरी ये कह सकते हैं, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। अब हम देखेंगे रेखाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। रेखाओं के प्रकार पहली होती है सरल रेखा। दूसरी होती है वक्र रेखा। तीसरी होती है समांतर रेखाएं, इसमें एक से ज़्यादा रेखाएं होती है इसलिए समांतर रेखाएं लिखेंगे, रेखा नहीं, समांतर रेखाएं। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि रेखा किसे कहते हैं और रेखाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।